दोस्तों हीरो कंपनी ने जीरो कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लिया है और पार्टनरशिप करने के बाद हीरो कंपनी फाइनली अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च करने वाली है। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों मैं आप लोग को हीरो कंपनी की पहली आने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बारे में बताने वाला हूँ कि कंपनी गाड़ी को कब तक लॉन्च करेगी, फीचर्स क्या क्या होंगे और प्राइसिंग क्या कुछ आप लोग को देखने को मिलने वाला है। उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि हीरो कंपनी की ऑलरेडी दो इलेक्ट्रिक स्कूटी हमारे इंडियन मार्केट पे बेची जा रही है जो कि हीरो विदा V1 प्लस और हीरो विदा V1 प्रो है। तो यहाँ पर हीरो कंपनी ऑलरेडी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को हमारे इंडियन मार्केट पे बेच रही है। अब यहाँ पर बारी है दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का जो कि हीरो कंपनी जीरो कंपनी के साथ पार्टनर करके अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को भी लॉन्च करने वाली है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को फीचर्स के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर हीरो कंपनी अपनी जो पहली इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च करने वाली है उस पर आप लोग को क्या कुछ फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि हीरो कंपनी की जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है उसमें जो आप लोग को फीचर्स देखने को मिलते हैं लगभग आप लोग को वैसे ही फीचर्स हीरो कंपनी की आने वाली इलेक्ट्रिक बाइक में भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप लोग को फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल सकता है जिस पर कि आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गाड़ी में जो है आप लोग को क्रूज कंट्रोल वगैरह भी देखने को मिल सकता है, राइडिंग मोड वगैरह भी देखने को मिल सकता है और गाड़ी में आप लोग को ऑल LED लाइटिंग सेटअप वगैरह देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हीरो कंपनी की जो आने वाली नई इलेक्ट्रिक बाइक है उस पर आप लोग को अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को रेंज के बारे में बताऊँ तो लगभग जो है 169 किलोमीटर तक का आप लोग को रेंज देखने को मिल सकता है और गाड़ी को फुल चार्ज होने में लगभग जो है 4 घंटे तक का समय लग सकता है। वहीं टॉप स्पीड के बारे में बताऊँ तो बाइक का जो टॉप स्पीड होगा दोस्तों वो लगभग जो है 104 KMPH तक का आप लोग को देखने को मिल सकता है। बाकी यहीं पर दोस्तों मैं आप लोग को प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो इस गाड़ी का प्राइसिंग के बारे में तो वैसे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, बट हो सकता है कि गाड़ी का जो प्राइस है वो लगभग आप लोग को 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए के आसपास में देखने को मिल जाए। बाकी यहीं पर दोस्तों मैं आप लोग को लॉन्चिंग के बारे में भी बताऊं तो यहाँ पर लॉन्चिंग के बारे में कंपनी की ओर से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि गाड़ी को जो है कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा, बट उम्मीद है दोस्तों कि इस गाड़ी को जो है 2023 या फिर 2024 में हीरो कंपनी लॉन्च कर सकती है। बाकी आप लोग बताएं दोस्तों कि आप लोग को ये हीरो कंपनी की आने वाली नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बारे में क्या लगता है, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।